गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोगों का ये एक्सेल का सेकंड लेक्चर है। आज भी हम लोग कुछ बेसिक क्लास सीखेंगे, बेसिक एक्सेल। आज भी हम लोग क्लास में कुछ बेसिक चीज़ सीखेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने पहले क्लास में तो सीख ही लिया एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं और कुछ बेसिक टूल का नाम। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सेल सीट पर और देखते हैं कि क्या आज हम लोग करते हैं इस पर, ठीक है? हम लोगों ने सेल देख लिया था, फिर उसके बाद फार्मूला बार, ये सब हम लोगों ने चेक कर लिया था, ठीक है? आज हम लोग क्या सीखेंगे, ये जो शीट है हमारा, नीचे जो हम लोगों ने शीट लेना सीखा था, ठीक है? आप लोग अगर पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहला लेक्चर देख लें, तभी समझ में आएगा, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है? कंटिन्यू ये क्लास चल रहा है, आप पहला लेक्चर देख लें तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये जो लेक्चर है, अगर आपको एडवांस पढ़ाएंगे तो मैक्सिमम आपका 120 लेक्चर्स जाने वाला है, ठीक है? तभी आप एडवांस लेवल का एक्सेल सीख पाएंगे, क्योंकि एक्सेल बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटिव है। मतलब इस पर बहुत ज़्यादा कमांड चाहिए और बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी आपको एक्सेल पे अच्छा कमांड आ पाएगा। अगर ऐसे सोचेंगे कि 4 क्लास 5 क्लास में करके 10 दिन 15 दिन में एक्सेल पे कमांड कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है? इसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी अच्छा कमांड हो पाता है। क्योंकि एक्सेल बहुत ही यूज़फुल फॉर्मर, बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, हर एक जगह यूज़ होता है, इसका बहुत यूज़ है। आप अगर एक प्रोफेशनल को ले लीजिए, चार्टेड अकाउंटेंट को लीजिए, सीए को लीजिए, बैंकिंग सेक्टर में जाइए, सभी जगह एक्सेल का यूज़ होता है। जितना लोन का कैलकुलेशन होता है, सारा कुछ एक्सेल में होता है। हम लोग सब कुछ सीखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में काम कैसे होता है, फिनांस में काम कैसे होता है, अकाउंटिंग का काम कैसे होता है। इसीलिए बेसिक क्लास पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आज कुछ फिर से बेसिक चीज़ आप लोगों को बताते हैं। और एक बात बताना है कि आप लोग जब एक्सेल का यूज़ करेंगे तो माउस का यूज़ एकदम कम से कम करेंगे। अगर माउस का यूज़ ज़्यादा करेंगे माउस का, तो क्या होगा कि उससे आपका स्पीड नहीं मेंटेन हो पाएगा। और एक्सेल एक्सेल किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी से काम को कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग कोशिश करें कि कम से कम माउस का यूज़ करें, ठीक है? जिससे आप लोगों का स्पीड अभी से मेंटेन हो सके। तो यहाँ पे जो सीट है, हम लोगों ने सीट लेना तो सीख ही लिया था इस प्लस पे करके, ठीक है? अब इस सीट पे अगर राइट क्लिक, जैसे पहला सीट पे हम लोगों ने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन, ठीक है? यहाँ पे कुछ और बेसिक लिखा है, नेम रेंज ऐसे, रेफरेंस ऐसे करके हम लोगों ने इसका कुछ नाम लिखा है, ठीक है? अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो जो भी सीट आपका रहेगा उस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। जैसे हम लोगों ने एक सीट लेते हैं, आप फिर से देख सकते हैं हम लोग कैसे लेते हैं, क्लिक किए, ठीक है? 7 नंबर का आ गया ये सीट। किसी भी सीट का अगर नाम चेंज करना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रीनेम का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद आप इसका जो नाम रखना चाहते हैं, जैसे हम लोग कुछ रख देते हैं इसका नाम Excel 1, ठीक है? तो नाम रख दिए, कहीं पे भी क्लिक करेंगे वो हट जाएगा, ठीक है? Excel 1 नाम रख दिए, राइट क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है? ये नाम हम लोग कैसे चेक करते हैं, नाम कैसे इसका रीनेम करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रीनेम कर लेंगे, ठीक है? दूसरा क्या होता है, फिर से इस पर जाते हैं, यहाँ पर कलर का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। रेड लेना है, रेड ले लेंगे, ये रेड हो गया, ठीक है? फिर से इस सेट का भी अगर कलर चेंज करना है तो इसे भी मैं कर देता हूँ, तो ऐसे करके। अब ये नाम या कलर लिखना ज़रूरी है क्या? देखिए क्या होता है कि जब आप काम करते हैं तो बहुत सारा सीट लेते हैं, पेज लेते हैं ना, जब आप वर्ड पे काम करते हैं तो बहुत सारा पेज होता है। तो मान लीजिए पेज 1 पे थे, हमको पेज नंबर 10 पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। वैसे ही अगर शीट 1 में हम लोगों ने कुछ बनाया और यहाँ पे शीट 2 रहेगा, शीट 3 रहेगा, तो हमको पता नहीं लगेगा यार शीट 1 में था ये वो मेरा डेटा या शीट 2 में था। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस सेक्टर पे काम करें, जैसे अकाउंटिंग का काम करें तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया अकाउंटिंग, ठीक है? डेटा एंट्री का काम करें तो सीट पे लिख देंगे डेटा एंट्री, या जो भी आपका फाइल होगा उसका नाम डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, बहुत आसानी से हम उस पर तुरंत पहुँच सकते हैं, ठीक है? फिर से हम राइट क्लिक करते हैं और कुछ और फीचर्स इसमें देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, ये हाइड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे वो सीट क्या हुआ, हाइड हो गया। अब क्या होता है कि कोई ऐसा सीट है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारा काम करके रखा है, ठीक है, और क्या है कि आपको किसी को दिखाना है सीट, या कोई और भी आपका एक्सेल यूज़ करता है जहाँ पे आप काम करते हैं, कोई और भी उसे खोल के काम करता है उसी सीट पर, तो आप लोग अपना जो पर्सनल है उसको हाइड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका कोई देख नहीं सकता है, ठीक है? तो अगर हाइड करना है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो क्या होगा, हाइड हो जाएगा। फिर से उसे लाना है, अनहाइड करना है तो किसी भी सीट पर, ऐसा नहीं है कि हम इसे यहाँ पर किए तो यहीं पर हमको राइट क्लिक करना होगा, ठीक है? किसी भी सीट पर खड़ा होकर हमें राइट क्लिक करना होगा, ठीक है? राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा, अनहाइड पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से सर्च कर लेंगे कि किसे हमें अनहाइड करना है। यहाँ से बहुत सारा सीट है जिसे मैंने हाइड करके रखा है, सीट यही था ना, Excel 1 सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। देखिए आ गया ये, तो ऐसे करके हम लोग हाइड करते हैं और अनहाइड का यूज़ करते हैं। अब हम लोगों ने आज आप लोगों को एक शॉर्टकट बताने जा रहे हैं, ठीक है?
यहाँ पे पहले कुछ मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये मैं एक ही डेटा लिखता हूँ, आप लोगों को कुछ और भी बता देते हैं इसी में, एक्सप्लेन हो जाएगा वो भी चीज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो अभी मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, ये मूव कर रहा हूँ मैंने, तो इसके साथ एक मोटा सा प्लस बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये प्लस दिखता होगा आप लोगों को। तो ये जो प्लस है ये सिलेक्शन का काम करता है, अगर सेलेक्ट करना है तो ये मोटा प्लस रहेगा तो सिलेक्शन का काम करेगा। ठीक है, जहाँ से आपको सेल को सिलेक्ट करना है क्या करेंगे, या तो कीबोर्ड से अगर करना है तो शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है, शिफ्ट दबाएंगे और एरो की अप डाउन राइट लेफ्ट, ठीक है, इसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन का काम करेंगे। या तो अगर माउस से करना है तो क्या करेंगे, हमारा लेफ्ट जो बटन होता है माउस का उसको प्रेस करके इसको से खींच लेंगे जहाँ तक आपको करना होगा। ठीक है, तो मोटा प्लस क्या किया, सिलेक्शन का काम किया। उसके बाद ये जो हमने 200 लिखा है, इसके जैसे हम लोग इसके बॉर्डर पे जाते हैं, आउटलाइन पे जाते हैं, तो यहाँ पे फोर एरो बन जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर एरो बना हुआ है अभी। ये क्या करता है, मूव करने का काम करता है, जैसे ये 200 का मूव करके दूसरा जगह मुझे ले जाना है, दूसरे प्लेस पे ले जाना है, तो ऐसे करके और लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे, लेफ्ट क्लिक दाब के रखेंगे और मूव करके उठा के कहीं पे भी रख देंगे, तो ये यहाँ चला गया। फिर यहाँ से लाना है तो फोर एरो बनेगा, लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और यहाँ से उठा के इस तरफ से ले आएंगे माउस से। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे जैसे एक छोटा सा डॉट बन रहा है, ये डॉट कोना पे, ठीक है, कोना पे जैसे जाते हैं तो यहाँ पे एक प्लस का साइन बनता है, पतला सा प्लस, ये क्या करता है, ड्रैग करने का काम करता है। जब हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे तो इसका बहुत यूज़ है, आप धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं ड्रैग का कैसे काम होता है, इस पर पकड़ के और नीचे ऐसे ट्रैक कर देंगे, नीचे खींच देंगे लेफ्ट प्रेस करके, लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट बटन होता है ना उसको पकड़ के नीचे खींच देंगे, तो ये क्या होगा, ड्रैग हो जाएगा सारा, एक ऐसा आ गया। सिलेक्शन करना है तो ऐसे मोटा प्लस से सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ शॉर्टकट, जैसे हम लोगों ने पहले क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ चीज़ यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं काम को आसान करते हैं, तो देखते हैं इसका इससे काम कैसे आसान होता है। तो एक शॉर्टकट बताने जा रही, ऑल्ट, आपके कीबोर्ड में देखिएगा ऑल्ट का बटन होगा, ALT नाम से एक बटन होगा ऑल्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको प्रेस करेंगे, ठीक है, उसको जैसे हम लोगों ने प्रेस किया तो सभी का एक नाम डिफाइंड हो गया, जैसे होम का H हो गया, अगर होम पे जाना है तो H प्रेस कीजिए, इंसर्ट पे जाना है तो N, पेज लेआउट पे जाना है तो P, फार्मूला पे जाना है तो M, डाटा पे जाना है तो A, तो ऐसे करके सबका नाम डिफाइंड हो गया। जैसे हमको इंसर्ट पे जाना है, ठीक है, तो N बोरा प्रेस करने, मैंने कीबोर्ड से N प्रेस किया, N जैसे ही प्रेस किए तो अंदर क्या बोल रहा है कि टेबल इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करना है, क्या करना है, अगर मान लीजिए मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है तो क्या बोलेंगे, पी प्रेस करने, तो पी प्रेस करेंगे, ठीक है, आपका पिक्चर यहाँ से खुल गया, आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। फिर से ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करने के बाद अब मान लीजिए कुछ और हमको लाना है, ठीक है, जैसे टेबल है, टेबल का क्या है, इन है, अगर टेबल इंसर्ट करना है तो इन प्रेस करने बोला, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, इन प्रेस किया, ठीक है, इंसर्ट के अंदर आए, अब टेबल प्रेस करने का टी है, टी इंसर्ट किए, तो यहाँ से टेबल इसका इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, फिर से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, फिर से हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे क्या है कि जो हम लोगों ने क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ चीज़ को ऐड किया था, कुछ अपने टूल्स को ऐड किया था जिसे मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जैसे कलर का काम मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, टेबल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ऑटो सम का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो आप सिंपल क्या करेंगे, बस यहाँ पे ऑल्ट अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करने के बाद कलर, कलर का कितना है, चार नंबर, चार नंबर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, चार प्रेस करेंगे फोर, और यहाँ से देख सकते हैं आप इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका क्या करता है, इसे सेलेक्ट कर लेता, जैसे ये सिलेक्शन रहता, ठीक है, रुक जाइए एक मिनट, ये हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करने के बाद क्या होगा, अगर हमको कलर करना है, कलर के लिए कहता है फोर नंबर पर, फोर नंबर करेंगे एरो की, आपका जो माउस कीबोर्ड में होगा ना फोर एरो की होता है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन वो वाला प्रेस करके इसको कलर वलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना है, ऑल्ट करेंगे, ऑल्ट करने के बाद पाँच नंबर, पाँच नंबर पर क्या है, ये कलर का, फिर यहाँ से देखिए फॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, सपोज इसका कुछ और ले लेते हैं तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है, तो ऐसे करके क्या करते हैं हम लोग, शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ऊपर लगाए हैं। फिर से हम सिलेक्शन का काम करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करने के बाद अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन का कितना है, नंबर सेवन, आप यहाँ देख सकते हैं अंडरलाइन के लिए तो सेवन नंबर प्रेस करने को, अपने कीबोर्ड से सेवन नंबर प्रेस करेंगे। अब यहाँ से अंडरलाइन कौन सा है, डबल वाला है या सिंगल वाला है, मान लीजिए हम सिंगल लेना चाहते हैं तो यू प्रेस करेंगे, डबल वाला लेना है तो डी प्रेस करेंगे, हमको सिंगल चाहिए था, यू प्रेस किए, अब देख सकते हैं सारे में अंडरलाइन हो चुका है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं ना, आपको अगर यहाँ पे अगर मुझे जैसे ऑटो सम का यूज़ करना है, ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे,
ऑटोसम का बोल रहा है 04। ठीक है, यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ, एक मिनट, मैंने यहाँ से सिलेक्शन नहीं किया था ना। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ से जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने कितना बोल रहे, ठीक है, 04 बोला था। 04 जैसे मैंने प्रेस किया तो यहाँ ऊपर आ गया। 0 प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद 4 करेंगे। ठीक है, 04 बोला था ना उसका, ऑटो सम का ऑप्शन है, ऑटो सम के लिए एस था। ठीक है, मैंने एस नहीं दबा क्योंकि ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट था। उसके बाद इंटर मार देंगे, ऑटोमेटिक क्या हुआ, इसका सम हो गया। आप देख सकते हैं मैंने कुछ किया नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, आप देख लीजिए। ठीक है, फिर से करते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करने के बाद ऑटो सम का हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था, ऑटो सम का क्या बोल रहा है, 04। तो 0 प्रेस करके रखेंगे, फिर 4 दाबेंगे। फिर 4 दाबने के लिए सम का क्या बोल रहा है, एस करने के लिए रेंज निकालना है इसका अगर, तो ए प्रेस करने है। ठीक है, काउंट करना है, और भी मैक्सिमम है, मिनिमम है, ये सब सीखेंगे। एस प्रेस करने पर एस दाबेंगे और इंटर मार देंगे, ऑटोमेटिक क्या हुआ, इसका टोटल कर दिया। ठीक है, इसका टोटल कर दिया, तो काम तो आसान हो गया ना, आप समझ सकते हैं ना आपका कितना काम आसान हो गया। अगर हमको यहाँ से करना रहता तो कहाँ जाते हैं, फॉर्मूला में जाते, फिर यहाँ से ऑटो सम पे लेते, फिर यहाँ से लेते, तब जाके ये काम करता है। ऐसे डायरेक्ट ही हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, 04 मारेंगे, आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक वो सम कर देगा। तो ये वाला शॉर्टकट लिख लेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो सारा का शॉर्टकट आ जाता है बटन ऑल्ट से। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्या सीखेंगे, आज का क्लास में लगभग अब कुछ बेसिक्स जो सामने का था, जो मैक्सिमम यूज़ होता है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब हर एक टूल्स के बारे में धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, किसी भी चीज़ को कैसे कैलकुलेट करके वैल्यू निकाला जाता है, फॉर्मूला सीखेंगे। फिर आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, ये सारा टूल जो आपको ऊपर दिख रहा है, सब लोग हम लोग यूज़ करने सीखेंगे। जितना हम लोग इंसर्ट पे है, होम पे है, ठीक है, रिव्यू पे है, व्यू पे, सारा टूल सीखेंगे। बट टाइम लगेगा, आप लोगों को अचानक से नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए टाइम लगता है, तो लेक्चर्स देखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें घर पर, और जो बताया जाता है उससे तो ज़रूर करें। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।